माँ नारायणी सामाजिक कुंभ 2020 का आगाज पनियावा के पावन तट पर हो चुका है। इसका शुभारंभ कल भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। उस कार्यक्रम में एक किताब का विमोचन किया गया, जिसका शीर्षक है सदा नीरा माँ नारायणी। नारायणी के बारे में ढेर सारी कहानियाँ हैं, लोग इस चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं। इस बुक को पब्लिश करने में मनोज कुमार पांडे, ब्रह्मदेव तिवारी और बुक को पब्लिश किया है भारतीय पब्लिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। आप इस बुक के माध्यम से जान सकते हैं कि नारायणी की महिमा क्या है, नारायणी क्या है। और ब्रह्मदेव तिवारी जी और बीच में रामायणदास रामायणी जी, जो काफ़ी दिनों से इस नारायणी की महिमा को पहुंचाने के लिए लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और साथ में आयोजन समिति के एक सदस्य भी हैं। और ढेर सारे लोग यहाँ जो देख रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी अपनी योगदान लगाए हुए हैं, महीनों से मेहनत कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले हम रामायणदास रामायणी जी से जानेंगे कि राम नयन दास रामायणी से ये जानेंगे कि आखिर में शुरुआत कब से, ये नहान की परंपरा है, लोग त्रिवेणी जाते हैं, लोग बांसी जाते हैं, और इस मौनी अमावस्या के अवसर पर इस तट पर स्नान की क्या परंपरा है, क्या इसकी कहानियां हैं और क्या पौराणिक महत्व है? वैसे स्नान तो नारायणी जी के किनारे बहुत जगहों पर लगता है, सैकड़ों जगह पर लगता है, और यहाँ भी जब से पुल उल बना है तब से नहान तो लोग करते थे मौनी अमावस्या पर, लेकिन वो जो सामाजिक कुंभ की परंपरा हम लोगों ने शुरू किया है, इसका कुछ उद्देश्य लेकर के किया गया है। सामाजिक कुंभ का मतलब ये हुआ कि जैसे नारायणी के किनारे इस स्थान को जो हम लोगों ने चुना है, यह कुछ महत्वपूर्ण अगल बगल के कुछ सिद्ध पीठ स्थलियाँ हैं, जैसे इधर मदनपुर है, राजगढ़ी है, उधर कटमासी है, इधर बीराभार है, भैंसहा है, नवतार है, पतलेश्वरनाथ है, इधर बौद्धी स्थान है, और बौद्धी स्थान के बगल में एक सिद्ध पीठ है हड़ाहवा, और उधर पानमती जहाँ हमारे तिवारी जी रहते हैं। और इस नारायणी के इस बगल मनु कुशीनगर में एक बुलहा बड़े सिद्ध संत हुए थे, उधर एक कैलासा बड़े सिद्ध संत हुए थे। ये क्षेत्र जो है हमको बहुत अच्छा लगा, और नहान तो बहुत दिन से हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने एक योजना बनाया कि यहाँ लोग केवल स्नान करने आते हैं और स्नान करके चले जाते हैं। उनकी मान्यता है कि केवल हम पाप धोने के लिए जाते हैं, लेकिन इसका सामाजिक महत्व क्या है, हम समाज को नारायणी के माध्यम से कैसे जोड़ सकते हैं, इसका पौराणिक महत्व क्या है, और साथ ही साथ इसका राष्ट्रीय महत्व क्या है, इसको बताने के लिए हम लोगों ने सामाजिक कुंभ नारायणी, माँ नारायणी सामाजिक कुंभ के नाम से हम लोगों ने परंपरा शुरू किया। आज के विगत 3 साल पहले, तीसरा साल है, 3 साल से चला रहा है। हमारे जिले के जितने संत थे, सारे संतों ने मिल करके और एक विचार किया कि किसी भी तीर्थ का और किसी भी धाम का महत्व संतों से ही है, और संतों ने कुछ परंपरा चलाया जिससे किसी तीर्थों का किसी धाम का जो है बहुत आगे बढ़ा। तो हमारे कुशीनगर में महावीर भगवान, बुद्ध भगवान की निर्वाण स्थली है, यहाँ सिद्ध पीठ स्थलियाँ हैं, बघही धाम है, सिधुआ है, मगरुआ है, उधर पवारी जी महाराज का स्थान है, फिर उधर देवरावा का स्थान था। तो ऐसे पवित्र स्थान पर और ऐसे महत्वपूर्ण स्थान से होती हुई माँ नारायणी, जिनका उद्गम क्षीर सुंद से हुआ, क्षीर सागर से, और इनके किनारे तपस्या करके राजा भरत जी, जो ऋषभदेव भगवान के जेठे पुत्र थे, तपस्या किए, और उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम पहले अजनाब बरसा और बाद में इसका नाम भारतवर्ष हुआ। इसलिए हम लोगों ने विचार किया कि इसको, और इसी पश्चिम चंपारण से महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह शुरू किया था, जिस पर सत्याग्रह एक्सप्रेस चलती है। तो हम लोगों का ये सोच है कि नारायणी माँ के नाम से नारायणी एक्सप्रेस चले, इसी को लेकर हम लोग शुरुआत किए थे, और ये नारायणी धाम इसका नाम रखा जाए।
और एक कुशीनगर का एक पहचान रहेगा, जहाँ तराई क्षेत्र में दूर दराज के लोग या शहरी क्षेत्रों के लोग नहीं आते हैं। तो तराई क्षेत्र में हम लोगों ने काम करना शुरू किया और इसका एक ही उद्देश्य है कि तराई क्षेत्र में भी लोग आएँ, शहरों से तराई क्षेत्र के सब गाँव के या इधर के लोगों को देखें कि इधर की क्या व्यवस्था है, क्या ज़रूरत है, यहाँ पर्यटन स्थल की ज़रूरत है, चिकित्सालय की आवश्यकता है, पाठशालय की आवश्यकता है, मतलब किस चीज़ की आवश्यकता है और इधर के क्षेत्रों का विकास हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने सामाजिक कुंभ का आयोजन बनाया, जिसमें सब एक साथ एक धारा में प्रवाहित हों। जैसे माँ नारायणी की पवित्र धारा बह रही है, उसी तरह से हम पूरा समाज, उसमें कोई जात पात का भेद न हो, कोई छुआछूत का भेद न हो, कोई संप्रदाय का भेद न हो, कोई पंथ का भेद न हो, यहाँ तक कि गृहस्थ और संत का भी भेद न हो, एक सूत्र में हम जो है बंध करके और एक साथ माँ नारायणी में स्नान करें। स्नान करने से बाहरी शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है, और जो समाज की सेवा हम करेंगे तो सामाजिक, हाँ, भजन जब करेंगे, सामाजिक सेवा करेंगे, परमार्थ करेंगे, बताया गया परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, तो इससे मन की शुद्धि होगी, तन की शुद्धि और मन की शुद्धि दोनों के लिए, जब दोनों शुद्धि होगी तब जाकर के पूर्ण शुद्धि मानी जाती है। तो नारायणी में स्नान करके एक साथ सारा समाज स्नान करेगा, तन की शुद्धि करेगा, और नारायणी का महत्व वो जब समझेगा कि नारायणी माँ का उद्गम जो है किस उद्देश्य से हुआ था, उसको जब वो समझेगा तो उससे वो भजन करेगा, परमार्थ करेगा, समाज की सेवा करेगा, इससे मन की शुद्धि होगी, तन मन दोनों की शुद्धि होगी, इस क्षेत्र का विकास होगा, इस क्षेत्र का नाम होगा और नारायणी एक धाम होगा। ये उद्देश्य लेकर के हम लोगों ने इस परंपरा को शुरू किया है। अब बात करेंगे ब्रह्मदेव तिवारी जी से कि ये बुक लिखने की जो है, ये बुक लिखने का विचार कब आया और इस बुक की क्या है, इस बुक में क्या क्या है और इस बुक को पढ़ के लोगों को क्या जानकारी मिलेगी? इस बुक को लिखने की बात आज 3 महीना पहले मैं अपने पानमती देवी स्थान पर था, अचानक मनोज पांडे जी गए इधर से, बैठे हम लोग और कुछ इन्होंने चर्चा नारायणी माँ पर शुरू किया। मैंने भी कुछ कहा, इन्होंने कहा कि गुरुवर एक पुस्तक नारायणी माँ पर आपको अच्छी जानकारी है, इस पर कुछ लिखें, ऐसी प्रेरणा तो उन्होंने ही दिया। फिर मैंने कहा चलिए एक अच्छा प्रयास हो। इस पुस्तक में वही चीज है, हमारे देश में 7 महानदियों का जहां वर्णन आया है, उन 7 महानदियों में एक गंडकी भी शामिल है। हमारे वहां तो उसी तरह से हर नदियों को माँ के नाम से इंगित किया जाता है, लेकिन जो गंडकी 7 महानदियों में है और उसी गंडकी के किनारे हम बसते हैं, लेकिन अब तक जो ये गंडकी 9 लाख वर्षों से इस धराधाम पर अवतरित हैं, पावन कर रही हैं यहाँ के सही प्राणियों को, लेकिन इनके ऊपर अभी तक हमारे इस महाराजगंज कुशीनगर होते हुए सोनपुर में जाकर के ये गंडकी मिलती हैं गंगा में, अभी तो कोई पुस्तिका नहीं थी। सच्चाई ये है कि इसका सही रहस्य अगर जो आप पूछें, आप जगन्नाथपुरी में जाएं और वहाँ बहुत सारे रत्न मिलेंगे, शंख मिलेगा वहाँ, लेकिन उन लोगों से पूछें अगर कि क्या शालिग्राम यहाँ नहीं बिकता है, तो वो कहेंगे वहाँ बहुत सारे रत्नों का भंडार है, वो समुद्र, वो रत्नाकर है, लेकिन वह रत्नाकर भी अधूरा है एक शालिग्राम के बिना। वो कहेगा वहाँ से, जगन्नाथपुरी का रहने वाला, कि नहीं नहीं इसके लिए तो आपको कुशीनगर जाना पड़ेगा, वहाँ एक गंडकी कोई बहती है जिनको शालिग्रामी नारायणी कहा जाता है, वहाँ महसूस होता है कि हम कितने बड़े भाग्यवान हैं कि हम उसी शालिग्रामी गंडकी के किनारे रहते हैं और अब तक इनके ऊपर कोई एक पुस्तिका नहीं आ पाई, ऐसा विचार। गंडकी की महिमा बहुत है, नेपाल में तमामों पुस्तकें हैं, नेपाली भाषा में चलती हैं, अपने वहाँ कोई पुस्तक नहीं थी। कई तरह से नारायणी कैसे हुई, गंडकी नाम क्यों पड़ा, काली गंडकी नाम क्यों पड़ा, सदा नीरा इनको कहाँ कहा जाता है, काली मही इनको कहाँ कहा जाता है,
इन सारे विषयों को लगभग इस छोटी सी पुस्तिका में डालने का एक प्रयास किया गया है कि इसके द्वारा इस नारायणी माँ की महिमा पुराणों में तो बहुत कालों से है, लेकिन अभी यहीं के बसने वाले लोग नहीं जानते हैं कि क्या इनकी महिमा है, क्या महत्ता है। कुल मिला जुला के जहां इतनी बड़ी महानदी बहती है और यहां पास का रेलवे स्टेशन पनियहवा, यह बात बहुत कष्टकर है। पनियहवा का नाम लोग मछली भुजा के नाम से जानते हैं, जबकि होना चाहिए कि नारायणी धाम नाम अगर कर दिया जाए, अगर जो नारायणी धाम रेलवे का स्टेशन हो जाता है तो पूरे देश में एक अच्छी खबर जाएगी। अगर इस नारायणी माँ के नाम पर एक कोई ट्रेन चला दी जाती है तब भी पूरे देश में एक अच्छी खबर जाएगी कि वो नारायणी धाम कहाँ है। यहाँ का वायुमंडल आप देख रहे हैं चारों तरफ कितना शुद्ध, इस नदी को देख रहे हैं आप, इस नदी में किसी शहर का कोई गंदा कचड़ा कचड़ी नहीं आता, जितना स्वच्छ है लगभग हम मैं मानता हूँ कि उतना स्वच्छ तो वहाँ गंगा भी नहीं है बनारस इलाहाबाद में कानपुर आगरा में, जमुना की तो हम बात ही क्या करें, जितनी पवित्र है ये नदी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे इस जिले के महामहिम लोगों का की नजरें इधर नहीं आई कि चलो यहाँ कुछ अच्छा हो, जबकि यहाँ अपार संभावनाएं हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मेरा एक निवेदन होगा आपके द्वारा उन महामहिम लोगों तक, सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन लोग, इस नारायणी के लिए हमारा तो प्रयास वही है कि एक बावना व्यक्ति जैसे ऊंचे फल को पाने की बार बार उछल कूद करता है, वही तो मेरी दशा है, एक बावना व्यक्ति हूँ। लेकिन जो बड़े लोग हैं थोड़ा सा हाथ अगर जो ऊपर उठा दें तो एक उनका भी इतिहास अमर हो जाएगा और हमारा एक प्रयास भी सफल होगा। जो हमारे अभी रामनंदन दास जी से जो आपने वार्ता सुनी, 3 साल पहले इन्होंने श्री गणेश किया 1 दिन का कार्यक्रम, दूसरे साल 2 दिन का कार्यक्रम, इस साल 3 दिन का कार्यक्रम हुआ है। लेकिन अब आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जो यहाँ की के महामहिम लोगों के द्वारा उपेक्षित, जैसे रात यहीं सभी संतजन अन्य लोग गृहस्थ लोग सोए हुए थे, लेकिन एक तो लकड़ी नहीं थी कि जला करके इस ठंडी में, बहुत कुछ नहीं मैं कहना चाहता, जबकि यह काम जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इससे तो मान सम्मान इस पूरे जिले, इस मंडल का, इस देश का एक ऐतिहासिक कार्य है।